अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं नोवा हुआवे नोवा 3i का पोको फ़ोन के साथ। इन दोनों के बीच में हम आज स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से फ़ोन की परफॉर्मेंस हमारे पास ज़्यादा अच्छी है। अगर हम कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो अगर हम हुआवे नोवा 3i की बात करते हैं तो इसमें हमें मिलता है हाई सिलिकन किरन 710 का चिपसेट, और यहाँ पर हमें पोको फ़ोन F1 के अंदर हमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट। पोकोफोन F1 में हमें मिलती है 6 GB की रैम और हुआवे नोवा 3i में हमें मिलती है 4 GB की रैम। तो आज हम करने जा रहे हैं इन दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट और देखेंगे कौन सा फ़ोन हमारे पास अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हमारे पास जो स्पीड टेस्ट होते हैं उनके अंदर हमारे पास 5 फेजेज़ होते हैं, जिसमें से पहले फेज़ में हम करते हैं दोनों फ़ोन को रीबूट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन हमारे पास होम स्क्रीन पे आ रहा है। जो सेकंड फेज़ है उसमें हम लाइट एप्लीकेशंस टेस्ट करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन में हम जो सोशल एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशंस, उनको टेस्ट करते हैं, फोर्थ फेज़ में हम गेम्स को चेक करते हैं और फिफ्थ फेज़ में हम गीकबेंच के स्कोर्स को चेक करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले फेज़ की तरफ, और पहले फेज़ में हम जैसे मैंने आपको बताया कि रीबूट करके चेक करते हैं, तो रीबूट करते हैं दोनों फ़ोन्स को और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन हमारे पास यहाँ पर अपने होम लॉक स्क्रीन पर और उसके बाद होम स्क्रीन तक पहुंच पाएगा। रिबूट करने जा रहा हूं मैं, 3 2 1 गो। जनाब एक तरफ है हमारे पास पोको फ़ोन F1 और दूसरी तरफ है हमारे पास हुआवे नोवा 3i। दोनों फ़ोन रीबूट हो रहे हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले होम स्क्रीन तक पहुंचता है। पोको फ़ोन ने अपनी फ़र्स्ट स्क्रीन यहां पर डिस्प्ले कर दी, हुआवे ने अब जाके अपनी फ़र्स्ट स्क्रीन को डिस्प्ले किया है। लोडिंग हो रही है, दोनों ही फ़ोन अपने होम स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन अपने होम स्क्रीन तक पहले पहुंचता है। जनाब पोको फ़ोन यहाँ विन कर गया, पहले लॉक स्क्रीन तक पहुंच गया और अब ये होम स्क्रीन तक भी पहुंच गया, और हुआवे नोवा 3i अब तक बूट कर रहा है और देखते हैं कि ये कब तक लॉक स्क्रीन तक पहुंचता है। अब तक ये देखें, अब तक इसमें लोडिंग हो रही है और पोको फ़ोन F1 जो है वो होम स्क्रीन तक पहुँच गया, अब जाके ये लॉक स्क्रीन पर पहुँचा है और जनाब अब ये होम स्क्रीन तक पहुंचता है। तो पोको फ़ोन F1 की यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी और ज़ाहिर लगनी भी चाहिए, यहाँ पे चिपसेट में दोनों फ़ोन्स में काफ़ी फ़र्क है। चलते हैं लाइट एप्लीकेशंस की तरफ। जो लाइट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उसमें पहला है फ़ोन डायलर को ओपन करने जा रहे हैं। 3 2 1 गो। पोको F1 ने पहले ओपन कर दिया और हुआवे नोवा 3i थोड़ा डिले था यहाँ पर। गूगल क्रोम को चेक करते हैं, 3 2 1 गो। यहाँ पे भी पोको F1 थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम ही थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पोको F1 ने पहले ओपन कर दिया था। कैलेंडर को ओपन करते हैं, 3 2 1 को। यहाँ तो ऑलमोस्ट सेम ही हमें स्पीड देखने को मिली। कैलकुलेटर को ओपन करने जा रहे हैं, 3 2 1 गो। यहाँ भी हमें सेम परफॉर्मेंस मिली है। अब चलते हैं अगले फेज़ की तरफ। अगले फेज़ में हमारे पास आ जाता है सोशल वाले एप्लीकेशन, सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन, जिसमें से पहले एप्लीकेशन है हमारे पास फेसबुक की। फेसबुक को ओपन करने जा रहे हैं, 3 2 1 गो। यहाँ पे भी पोको फ़ोन जो है उसने पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लिया था, और ट्विटर को ओपन करते हैं, 3 2 1 गो। यहाँ पर हमें इसकी परफॉर्मेंस हुआवे नोवा 3i की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी। हुआवे नोवा 3i ने यहाँ पे ट्विटर को पहले ओपन कर दिया और पोको फ़ोन ने थोड़ा सा हमें यहाँ डिले दिखाया। तो इंस्टाग्राम को ओपन करने जा रहे हैं, 3 2 1 गो। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम पोजीशन थी। अब करने जा रहे हैं हमारी इस फेज़ की जो आखिरी एप्लीकेशन है, यूट्यूब को हम ओपन करने जा रहे हैं, 3 2 1 गो। हुआवे नोवा 3i ने पहले फीड्स लोड कर ली हैं, पोको फ़ोन ने अब तक लोड नहीं की हैं, और एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही टाइम में ओपन हो गई थी, लेकिन यहाँ शायद इंटरनेट स्लो हो गया होगा, तो इस वजह से फीड्स जो हैं यहाँ पे हमारे पास पोको F1 ने थोड़ा सा देर से लोड किए हैं। अब चलते हैं अगले फेज़ की तरफ। अगला जो फेज़ हमारे पास, ज़ाहिर आप जानते हैं गेमिंग फेज़ है। गेमिंग फेज़ में पहली गेम हमारे पास स्नाइपर 3D को ओपन करने जा रहे हैं, 3 2 1 गो। स्नाइपर 3D गेम ओपन हो रहा है जनाब, और देखते हैं कि कब तक कौन सा फ़ोन पहले इसको लोड कर पाता है। दोनों ही फ़ोन लोड कर रहे हैं। हुआवे नोवा 3i ने पहले लोड कर लिया, यहाँ पे पोको फ़ोन ने थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिले दिखाया। बड़ी सरप्राइजिंग यहाँ पे सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा इस गेम को लेके। सबवे सर्फर को ओपन करने जा रहे हैं, 3 2 1 गो। अच्छा जी, अब देखते हैं कि कब
यहाँ पे दोनों ही लोड कर रहे हैं, यहाँ पे पोको फ़ोन ने पहले लोड कर लिया और हुआवे नोवा 3 आए थोड़ा सा डिले कर गया। एट बॉल पूल को ओपन करते हैं, 3 2 1 गो। एट बॉल पूल को देखते हैं कि कब तक ओपन होता है। यहाँ पे भी पोको फ़ोन 1 की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हमें मिली। अब चलते हैं टैबलेट 2 की तरफ, टैबलेट 2 को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसको सबसे पहले कौन सा फ़ोन ओपन करता है। स्टार्ट करें टैबलेट 2 को, 3 2 1 गो। टेम्पल रन 2 जनाब यहाँ पे लोड हो रहा है और देखते हैं कि यहाँ पे टेम्पल रन 2 को कौन सा फ़ोन पहले लोड करता है। यहाँ पे भी पोको फ़ोन 1 विन कर गया, इसने पहले यहाँ पे टेम्पल रन 2 को लोड कर लिया था। अब हम चलते हैं आखिरी फेज़ की तरफ। आखिरी फेज़ में हम गीक बेंच स्कोर को चेक करते हैं, तो गीक बेंच स्कोर चेक करते हैं दोनों फ़ोन्स का और देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या स्कोर निकल के आता है दोनों फ़ोन्स का। गीक बेंच जनाब ये स्कोर हमारे सामने आ गया है। इस हाथ में मेरे पास है पोकोफोन F1 और इस हाथ में मेरे पास है हुआवे नोवा 3i। पोकोफोन F1 के जो सिंगल कोर के स्कोर्स हैं वो हैं 22,299 और हुआवे नोवा 3i के जो सिंगल कोर के स्कोर हैं वो हैं 1,604। पोकोफोन F1 के जो मल्टी कोर के स्कोर हैं वो है 8,927 और हुआवे नोवा 3i के जो मल्टी कोर के स्कोर हैं वो है 5,606। तो यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल दोनों ही कोर्स में हमें एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। दोनों ही स्कोर्स में काफ़ी डिफरेंस है और यही डिफरेंस की परफॉर्मेंस में भी मिला। पोको F1 ने काफ़ी अच्छी दिखाई, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कहीं कहीं नोवा 3i ने भी हमें कुछ एप्लीकेशंस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। दोस्तों ये था स्पीड टेस्ट हुआवे नोवा 3i और पोको फ़ोन के बीच में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के मज़ीद स्पीड टेस्ट देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।